जो है पानी पूरा जमावट है, कुआं टाइप में डोभा टाइप में कोड़ा गया है। इसे जो है मशीन लगा करके जो है, सिंचाई एक कुआं तो चला जा रहा है 6 लाइन में, तो जिनका कुआं है ऐटा को जो है निकाल रहे हैं ताकि दूसरे चीज़ में काम में ला सके। ठीक है, समथल किया गया है, अब किस लिए किया गया है ये तो जानकारी नहीं है। जानकारी हमको अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसमें जो है यह स्टोर है क्या बीहन जगह? के लिए। आप लोग का बहुत सारा कमेंट भी रहता है कि इसमें जो है खेती वगैरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक तो बार जो है पानी पटाया गया था अभी जस्ट कुछ देर पहले, जो है पानी इसमें सिंचाई किया गया है, था नाला में ही यहाँ पर जो है छोड़ दिया गया है पूरा। इसको जो है समतल नहीं किया गया, क्योंकि समतल कर दिया जाएगा तो फिर पानी आएगा उधर बहाव, तो फिर यहाँ पर जो है। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं 6 लाइन के बारे में एक नया अपडेट। जो सर्विस रोड का काम हुआ था, बीच बीच में जो है अद्भुत चीज़ बना हुआ है पूरा, यानी समथल किया गया है। इसलिए समथल किया गया है, इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। ये वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबा भी होने वाला है, तो आप लोग उसके लिए कोई नहीं, आप लोग पूरी जानकारी मिलेगी सर्विस रोड के बारे में, जगह जगह पर क्या चीज़ बनाया गया, सारा कुछ देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर वॉच करें ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी दे सके। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे अभी जो है हम पोल नंबर 363+700 के यहाँ पर अभी मौजूद है। ये जो है हम लोग के घर से काफ़ी दूर में है, यानी 3 से 4 किलोमीटर दूर में है। ठीक है, ये पोल जो है ईस्ट की ओर यानी पूरब की तरफ है, कोलकाता जिधर गुजरती है हम लोग रोड से, हम लोग का घर से पूरब की ओर। ठीक है, अभी आए हुए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए किस प्रकार से काम हुई है, कैसा नज़ारा है, सारा कुछ देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, ये जो है देहाती बस्ती है गैच, आदिवासी लोगों का बस्ती है। ठीक है, उधर जो देख रहे हैं आप लोग वो साइड पूरा बस्ती ही भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा आदिवासी का भरा हुआ है, बगल में ही जो है जंगल भी है। ठीक है, आए वक्त जो है यहाँ पर हाथी वगैरह आते रहता है समय समय पर। ठीक है, सुन, और इधर से ही जो है हाथी सब हम लोग घर तरफ उधर जाता है। फिलहाल तो कभी गया नहीं है, लेकिन बहुत पहले जाया करता था। अभी चारों तरफ घर वगैरह तार वगैरह चला गया है इलेक्ट्रिक वाला, इसीलिए दूर नहीं जा पाता है हाथी लोग। इधर गाँव में तब में मतलब जिधर जिन लोग का जंगल सामने है उन लोग तरफ आता है। ठीक है, देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यही जो है इस बस्ती, आदिवासी बस्ती का जो है ये रोड है, क्रॉस किया गया है यहाँ पर। ये रोड के जो है हम इपार देखिए आ चुके हैं। ये इधर जाइएगा तो सीधा जो है आदिवासी लोगों का घर चल जाइएगा। रोड बस्ती है पूरा, वो जंगल देख रहे हैं आप लोग पीछे, वो जंगल पूरा सटा हुआ है बस्ती। ठीक है, कच्चिया रोड है गाइस, ढलाई वलाई नहीं हुआ है तो पूरा धूल वगैरह उड़ते रहता है। लेकिन इधर ट्रैक्टर भी आ, टेकर भी आ रहा है, ट्रैक्टर बोलते रहे यानी गांव में रहता ही है किसी किसी के पास ट्रैक्टर टेम्पू। ठीक है, और देखिए देखिए किस प्रकार से पोमाल वगैरह रखा जाता है देहाती गांव में, खूंटा दे करके जो है उसके ऊपर पोमाल डाला जाता है। देखिए अगला पोल आ गए हम, ये रोड जो है बनाया गया है सर्विस रोड, बहुत ही कटिंग कटिंग करके बनाया गया। देखिए ये देखिए सीधा जा रहे हैं हम लोग, लेकिन जो है ज़मीन जो है देखिए कहीं पर आयर है, कहीं पर पेड़ है, ये सब को जो है काटा नहीं गया, हटाया नहीं गया, इसको जो है जिस तरह से खाली जगह मिला उस तरह से इसको घुसा दिया गया है। इधर गए हम बहुत दिन बाद आ रहे हैं, इधर आप लोग के फिर चलते ही आए हुए ताकि आप लोगों को दिखा सके किस प्रकार से काम हुई है। और ये देखिएगा जी, बहियार खेत है, बहियार खेत में जो है गड्ढा खोदा गया है, यहाँ पर जो है पानी पूरा जमावट है, कुआं टाइप में डोभा टाइप में कोड़ा गया है। इसे जो है मशीन लगा करके सिंचाई करते हैं गाँव में।
ठीक है, अपना खेती वगैरह उपजाते हैं। और ये जो है सर्विस रोड के अंदर में ही आ रहा है, देखिए उधर जो है वो लेफ्ट साइड रोड है और ये जो है राइट साइड रोड है। आगे भी एक लग रहा है डोहा टाइप में बनाया गया, चलिए आगे भी चल के दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए किस तरह से घुमा घुमा करके मतलब इसको बनाया गया। ये सब जो है गाइस अभी तत्काल बनाया गया है, जब काम शुरू होगा तब तो सीधा हो ही जाएगा। ठीक है, अभी जो है सिर्फ सर्विस रोड का काम किया गया है, ताकि जो चिन्हा दिया गया है ताकि किसान लोग जो है इसमें जो है खेती वगैरह नहीं कर सके। लेकिन बहुत जगह जो है देखने को मिला कि धान का खेती का समय आ रहा है, तो बहुत लोग उपजाने के लिए अपना बिहन भी बिहन गाड़ी जो बोलते हैं जोत दिए हैं। और पता नहीं अब इसमें खेती होगा कि नहीं होगा इस बार। देखिए गाइस बड़ा सा यहाँ पर बना हुआ है तालाब टाइप में, डरावना भी लग रहा है। पानी कम हो गया है फिलहाल, चलते चलते आगे भी बस्ती मिल जाएगा, इसलिए ज़्यादा दूर तो जाएंगे नहीं, आप लोगों को यही दिखाना था। देखिए उधर बस्ती है, पूरा नज़ारा दिख रहा है बस्ती का। ठीक है, और अभी दिखाएंगे आगे भी किस प्रकार से आगे। अरे को नाला गया है, नाला में किस प्रकार से काम किया गया है, जोरिया जिसको बोलते हैं हम लोग और आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, सब जगह अलग अलग बोला जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ उठ के देखते हैं आगे क्या है वैसा। काफ़ी दूर आ गए हैं गाइज, पैदल ही आ गए हैं, अपने घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर में आ चुके हैं। पैदल चल चल के हालत ख़राब हो रहा है, लास्ट यहीं पर यहीं तक जाएंगे, उसके बाद घूमेंगे वापस या राइट साइड में जा रहे हैं वापस जाएंगे लेफ्ट साइड से। ठीक है, यहाँ पर गैज पूरा समथल किया गया है, पूरा चौड़ा किया गया। देखिए सर्विस रोड जो है ओला बना हुआ है, इधर पूरा भी चौड़ा किया गया है और इधर बगल में भी पूरा समथल किया गया है। पता नहीं क्यों किया गया है इस तरह समथल, हमको तो जानकारी नहीं है इसका, ऐसा तो पहली बार यहीं देखने को मिला है हमको। आगे भी कुछ गड्ढा वगैरह लग रहा है, चलिए उसको भी देखते हैं क्या जी है। यहाँ भाटा बोझा गया था, भाटा के बीच में ही जो है गड्ढा किया जैसा लग रहा है। ओहो, यहाँ एक कुआं था गाइस, देखिए कुआं में जो है ये कुआं तो चला जा रहा है 6 लाइन में, तो जिनका कुआं है ऐटा को जो है निकाल रहे हैं ताकि दूसरे चीज़ में काम में ला सके। ठीक है, क्योंकि ये कुआं तो भांत जाएगा, रहने तो नहीं देगा। बीच में इधर सर्विस रोड है और आगे उधर है, ये बीच में आ रहा है तो इसका तो राम नाम सत्य हो जाएगा, इसी के चलते जो है इसको भांतना पड़ेगा। इसी के चलते इसका जो है देखिए ऐटा भी काफ़ी अच्छा ही निकल जा रहा है, तो निकाल लिया जा रहा है ऐटा को। ये वही सोचे कि यहाँ पर गड्ढा किस लिए किया गया और आगे गए समथल भी किया गया, इधर तो नज़ारा हमको पता ही नहीं था। काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा है गाइस, देखिए यहाँ पर जो बहुत बड़ा समथल किया गया है पूरा। हमको लग रहा है कुछ सामान वगैरह यहाँ पर गिराया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, इसी के चलते जो यहाँ पर बड़ा सा यानी टाण में जो है पूरा समथल किया गया है, वही लग रहा है हमको।
और वह देखिए पहाड़, सूर्या जैसा पहाड़ जो लग रहा है दुर्गा पहाड़ है। ठीक है, काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं गाइस दुर्गा पहाड़ का। हमको लगता है यहाँ से करीब, फिर भी दूर में होगा लेकिन नज़दीक जैसा लग रहा है, 8-10 किलोमीटर हो जाएगा घर से। बहुत दूर छोटा दिखता है लेकिन यहाँ पे आए थोड़ा बड़ा दिख रहा है, क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ बहुत बड़ा जो है समथल किया गया है। अब किस लिए किया गया है ये तो जानकारी नहीं है, जानकारी हमको अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसमें जो है स्टोर किया जाएगा सामान वगैरह को। ठीक है, जो भी वर्क होगा इसमें, इसीलिए इतना बड़ा को बड़ा एरिया में जो है समथल किया गया है इसको। आप लोगों को कुछ पता होगा इसके बारे में तो आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि देखिए उधर जो है सर्विस रोड है और उधर भी सर्विस रोड, दोनों सर्विस रोड को जो है पूरा जितना एरिया लेता है इस रोड में लेगा, पूरा रोड को जो है कवर किया गया है और पूरा समथल किया गया। देखिए वहाँ पर कुछ बच्चे लोग जो है खेल रहे हैं, वहाँ तक पूरा समथल किया गया है। देखिए हम जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए देख लें आप लोग, वहाँ पर बच्चे लोग खेल रहे हैं, वहाँ तक जो है पूरा समथल किया गया है। वही होगा इसमें कि समथल किया गया, स्टोरेज करने के लिए रखा गया है, हमको लग तो रहा है। और देखिए आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अब दूसरा बस्ती आ जाएंगे, यानी उधर जो है दो बस्ती पार हो चुके हैं, अब ये तीसरा बस्ती पहुंच जाएंगे। कुछ दूरी जाएंगे तो 1 किलोमीटर लगभग जाएंगे तो दूसरा बस्ती का पहुंच जाएंगे, इसीलिए आगे तो नहीं जाएंगे, यहीं तक लास्ट करते हैं और पीछे चलेंगे। अभी लेफ्ट साइड में दिखाएंगे आप लोगों को, लेफ्ट सर्विस रोड में चलेंगे आगे तक। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है गाइस, तो उसके लिए कोई नहीं, आप लोग पूरी जानकारी मिलेगी जगह जगह पर क्या कुछ क्या किया है, सारा कुछ देखने को मिलेगा, तो आप लोग लास्ट ज़रूर देखें इस वीडियो को। काफ़ी बड़ा है गाइस, ठीक है, देखिए रोड जो है काफ़ी लंबा चौड़ा है, लंबा तो है ही है, चौड़ाई भी देख लीजिए आप लोग कितना चौड़ाई है सो। वहाँ पर उसका अंतिम पॉइंट है और उसका जो है उधर जितना, मतलब सादा सादा जो इसका चिकनाई किया गया है उतना दूर तक जो है इसका चौड़ाई है। ठीक है, वैसे तो चौड़ाई बता ही चुके हैं मेरे अगले ही वीडियो में, नाप करके भी अपना फुट के हिसाब से बताए थे। कहीं कहीं जो है ज़्यादा चौड़ा लिया गया है, कहीं कहीं जो है कम है, चौड़ाई जो है इक्वल नहीं है सब जगह। ठीक है, ज़मीन के हिसाब से लिया गया है। तो चलिए अब लेफ्ट साइड जाते हैं और उधर का दिखाते हैं पूरा व्यू। सूरज भी काफ़ी नीचे आने लगा है, शाम हो जाएगा, पूरा सवेरा हो जाए, मतलब पूरा अंधेरा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर दिखेगी नहीं। यही देखना था कि कहीं पे कुछ बनाया है क्या, वही दिखाने का आप लोग चाह रहे थे, तो फिलहाल यहाँ तो मिल गया है। ठीक है, स्टोर करने वाला एरिया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली गाइस हम लेफ्ट साइड आ चुके हैं और थोड़ा सा बीच में आए हुए हैं जहाँ पर समथल किया गया था। देखिए अभी वहाँ से हम दिखा रहे थे आप लोगों को, अभी बीच में आके दिखा रहे हैं। देखिए बच्चे लोग वहाँ पर है उधर, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मतलब समथल किया गया है। और देखिए इधर बगल में एक तालाब भी है जो कि रोड के किनारे रह जाएगा वो। अब चलिए आगे चलते हैं हम इस लेफ्ट साइड से। अब जो है उधर से आ रहे थे तो ईस्ट साइड यानी पूरब तरफ था, अब जो है हम उधर जा रहे हैं दक्षिण की ओर, पूरब दक्षिण नहीं गए, सॉरी मिस्टेक हो जा रहा है बोलने में। पूरब तरफ से उधर से आ रहे थे तो पूरब हो रहा था, इधर से जा रहे हैं तो पूरब पश्चिम पश्चिम हो रहा है, यानी जिधर वाराणसी है उधर जा रहे हैं उस साइड। ठीक है, यानी अपने घर तरफ जा रहे हैं। अब चलिए कि जितना भी समय लगेगा घर पहुँचने में आप लोगों को पूरा चीज़ दिखाएंगे। उधर तो राइट साइड का दिखाएं, अब लेफ्ट साइड का भी दिखाते हैं कहीं पे वैसा कुछ मिलता है तो, और मिलेगा ही जैसा कि हमको लग रहा है। काफ़ी बड़ा बड़ा पेड़ है यहाँ पर गाइस, देखिए इधर ड्रिप सिस्टम लगा हुआ था यहाँ पर, इसको पूरा साफ किया गया है। देखिए कुछ दूरी तक आने के बाद भी इधर जो है पूरा समतल किया गया है। यहाँ पर बिजली का तार आया हुआ है बीच में,
इसको तो हटा दिया जाएगा। अभी जो सर्विस रोड आप लोग देख रहे हैं, अभी जो है गाड़ी वगैरह चला सकते हैं, लेकिन बरसात आ जाएगी तो गाइस जैसे हमको नहीं लगता कि एक भी गाड़ी चल सकेगी उसमें, यहाँ तक कि साइकिल भी नहीं चल सकेगा, क्योंकि अधिकतर जो है सर्विस रोड बनाया गया है, ये जो है नाला ये सब खेत वगैरह है, बाजार खेत, इस समय तो पानी जम जाएगा, तो पानी जम जाएगा तो उसमें तो जाना पॉसिबल नहीं है। हमको लगता है अब इसमें जो है काम वगैरह नहीं होगा, क्योंकि पानी जम जाएगा तो उसमें काम हो भी सकता है, क्योंकि जो है पानी जम जाएगा तो उसमें गाड़ी वगैरह चलेगी नहीं, तो जहाँ पर जो है टांड वगैरह है वहाँ पर हो सकता है काम वगैरह हो सकेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पर पानी है मतलब छोटा सा यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक साइड से मिट्टी गिराते हुए आएगा तो इसमें काम आराम से हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर बड़ा बड़ा जगह है वहाँ पर तो पॉसिबल नहीं होगा। छोटा सा गड्ढा इधर भी है, देखिए वो बस्ती पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा चट्टान है क्योंकि ये जो है खेत है, और अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि खेत में जो है बीहन छिटने के लिए जुताई भी हो चुकी है, जो कि सर्विस रोड के अंदर में ही है। देखिएगा जी यहाँ पर जो है करेला लगा हुआ है, किस प्रकार से इसमें झांक वगैरह दिया गया है, देखिए यहीं पर जो है पानी पटाया गया था अभी जस्ट कुछ देर पहले, जो है पानी इसमें सिंचाई किया गया है, देखिए झांक दे दिया गया, इसी तरह प्रोड्यूस कर रख दिया गया है, रोपा गया है। अब पता नहीं इसको तोड़ा कैसे जाएगा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है इसमें अंदर किसान लोग कैसे घूम घुस के तोड़ेंगे, सबका अलग अलग टेक्निक है गाइस, हर जगह का अपना अपना दिमाग लगाते हैं। ये लद दिया गया है ताकि जो है नीचे जो है करेला सटे नहीं और ख़राब ना हो, ठीक है, देखिए इधर जो है इधर नहीं दिया गया है तो इधर नीचे ही पूरा फैल गया है उसका डाल सब, और देखिए फाइनली हम इधर देहाती गांव जो बोले थे आदिवासी लोग का रोड पहुंच चुके हैं, जो कि कच्चिया रोड है पूरा। अब चलिए आगे बहियार मिलेगा, उसके बाद एक नाला मिलेगा, वहीं पर आप लोगों को दिखाएंगे, और थोड़ा देर के बाद इसको जो है आगे तक वीडियो को समापन करेंगे। ये काफ़ी गाइज लंबा हो गया है, 20 से 25 मिनट लंबा होगा ये वीडियो। देखिए यहाँ पर पोल है, लेफ्ट साइड वाला पोल, और यहाँ पर देखिए पलास का पेड़ जो कि हम लोग का झारखंड का फूल है, पुष्प, झारखंड पुष्प पलास। यहाँ पर गाइज चारों तरफ जो है जिधर देखिए उधर पलास का फूल यानी पलास का पेड़ जो है नज़र आएंगे, ट्री, पीपल का भी पेड़ है यहाँ पर। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा होगा गाइज तो ज़रूर जो है इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमें जो है हौसला मिल सके और हमें कुछ जो है फ़ायदा हो सके दिखाने का, इतना मेहनत करने का, क्योंकि जो भी आप लोग पर ही डिपेंड करता है सारा कुछ। और देखिए यहीं पर जो है खेत है, और देखिए यहाँ पर जो है जुताई किया गया है बीहन झेटने के लिए, ये सर्विस रोड इधर है लेफ्ट साइड वाला, और उधर राइट साइड वाला है, देखिए यहीं पर जो है दिखा रहे हैं आप लोगों को जुताई किया गया है बीहन के लिए। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट भी रहता है कि इसमें जो है खेती वगैरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो अभी सर्विस रोड का काम हुआ है गाइज, तो इसमें जो है अभी कुछ क्लियर नहीं है कि काम कब स्टार्ट होगा पूरा फाइनल, तो
किसान अपना काम कर रहे हैं, अगर नहीं स्टार्ट हुआ तो इसमें आप लोग लगा भी सकते हैं। देखिए पूरा बारीकी से जुताया गया है, अब पानी गिरेगा उसके बाद इसमें बीहन भी छिटा जाएगा। देखिए काफ़ी खेत है ये सब, तो ये सब जो है फालतू ना रहे, क्योंकि ये सब जो है काम भी स्टार्ट होगा तो खेती लग जाएगा, तो इसमें काम नहीं पूरा करेगा, यानी इसमें जो है काम को नहीं करेगा, क्योंकि किसानों को जो है नुकसान नहीं करेगा। हाँ एक बार ऑर्डर दे देगा सरकार की ओर तरफ से कि इसमें जो है आप लोग खेती वगैरह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काम जो है कभी भी स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह का कुछ नोटिस आएगा तो जो है इसमें आप लोग या हम लोग कोई भी जो है इसमें हम लोग अपना खेती वगैरह नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वैसा तो नोटिस अभी तक आया नहीं है, अगर आता है तो आप लोग को ज़रूर बताएंगे। देखिए इधर देहाती गांव है, सब लोग नया नया घर बना रहे हैं अपना, क्योंकि ज़मीन में तो पैसा पूरा मिला है। देखिए नाला के करीब आ चुके हैं, इसमें गैस पूरा पानी बहता है, ठीक है। जब बरसात होता है ना पूरा इधर से उधर क्रॉस नहीं कर सकते, इतना पानी बहता है। एक बार तो इसमें जो है एक आदमी भी बह गया था, लेकिन फिर उसको बचा लिया गया था, इतना तेज पानी इसमें जाता है। देखिए यहाँ तो बहुत ऊँचा है, अभी देखिए नीचे चलेंगे तो आप लोग दिखाएंगे, यहाँ पर पुल भी बनाया गया है। ओह माय गॉड, इसको तो यहीं पर छोड़ दिया गया है, इसको पूरा यहाँ पार क्रॉस नहीं किया गया है। देखिए नाला था, नाला में ही यहाँ पर जो है छोड़ दिया गया है पूरा, इसको जो है समतल नहीं किया गया, क्योंकि समतल कर दिया जाएगा तो फिर पानी आएगा उधर बहाव, तो फिर यहाँ पर जो है पानी जम जाएगा पूरा, इसी के चलते जो है इसको समतल नहीं किया गया। देखिए यहाँ पर पानी भी जमा हुआ है, इधर मोटर भी लगा हुआ है अपना, किसान लोग करें। ये तो था लेफ्ट साइड, ठीक है। तो चलिए राइट साइड भी दिखाते हैं आप लोगों को, उधर किस प्रकार से वर्क हुआ है, उधर भी इसी तरह छोड़ा गया है या तो फिर उधर पूरा कंप्लीट किया गया है। देखिए काफ़ी बड़ा पुल यहाँ पर है, देखिए बालू वगैरह भी जमा हो जाता है यहाँ पर पूरा, गाय जहाँ पे पानी पूरा भर जाता है जब बरसात आता है ना तब। चलिए राइट साइड जाते हैं, उधर भी देखते हैं किस तरह का है उधर का हाल। लगभग अपना घर पहुंच ही गए हैं गैज, थोड़ा सा यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर होगा। ये राइट साइड आ गए हैं हम, ये क्या इधर चढ़ान है, इधर देखिए मक्का लगा हुआ है, पूरा ऊपर तक मक्का लगा हुआ है साइड में, यही सब जो सिंचाई किया जाता है यही नल्ला से। और ये क्या हुआ गाइस, यहाँ तो नल्ला गायब हो गया, नल्ला को काट दिया गया है, देखिए यहाँ पे समतल कर दिया गया, वहाँ पे भी हम दिखाए ना पानी और यहाँ पानी गायब हो चुका है। देखिए यहाँ पर समतल किया गया है तो ये मैनेज हो जाएगा, उधर से बहाव आएगा ना पानी का तो ये मिट्टी धीरे धीरे कट करके जो है अपना रास्ता बना लेगा। जैसे कि सभी को मालूम है पानी को कोई रोक नहीं सका है, ठीक है। देखिए ये पोल नंबर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर 363 यानी 363 प्लस 460, ऊपर भी दिखाए थे वहाँ पर भी तो 363 ही था, उनको ये समझ ही नहीं आता है ये 460 लिखा हुआ है, नीचे वाला चेंज है ऊपर वाला सेम है, और पता नहीं पोल का जो नंबर सब है ना हमको अभी तक जो है डाउट है ही है, अब क्या चीज़ का है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कोई बोलता है किलोमीटर लिखा हुआ है, नीचे मीटर लिखा हुआ है,
क्या चीज़ है कंफर्म अभी तक पता नहीं चला है। अब जो है सरकारी लोग आएंगे, उन लोग से पूछना पड़ेगा, पूरे अच्छे से जानकारी लेंगे, उसके बाद आप लोगों को भी बताएंगे क्या चीज़ का है वो निशानी। अगर आप लोगों को पूरी अच्छे से मालूम होगा तो आप लोग कमेंट करके अच्छा से बता सकते हैं, ताकि हम लोगों को अच्छी तरह से बता सके। ठीक है, देखिए सूरज जो था, सूरज भी छुप गया है, उधर लेफ्ट साइड था, अभी हम राइट साइड आ गए हैं। जाने के वक्त इधर जो है हम दिखाए नहीं थे आप लोगों को वीडियो। ठीक है, चलिए आगे तक दिखा देते हैं, जहाँ तक हम दिखाए थे अगले वीडियो में वहाँ तक जाके अंत करेंगे। बड़ा सा एक बाजार खेत है, वहीं पर जगह जगह पर पोल दिया हुआ है, उधर जो है लेफ्ट साइड है। कैसा कैसा जगह से जो है ये रोड क्रॉस हुआ है गाइस। ये जो है अधिकतर जो है गांवों से लिया गया, इसीलिए इसका जो नाम ही पड़ा गया है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड मतलब ग्रीन मतलब होता है हरा, यानी जो है ग्रीन फील्ड, यानी फील्ड में जो है पूरा हरियाली रहेगा, उसी में ये जो रोड क्रॉस होगा। ठीक है, देखिए चारों तरफ ग्रीन ही हरियाली ही हरियाली है, इसी में जो है रोड को क्रॉस किया गया, इसलिए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट नाम दिया गया है इसका। इसका था देखिए, यहाँ पर हम आ गए हैं फाइनली। यहाँ तक जो है आप लोगों को दिखाए थे गाइस, यहाँ पर वर्क हो रही थी ऊपर का जो है, कल या परसों जो है वीडियो डाले थे, उसमें जो है दिखा रहे थे जेसीबी किस तरह से जो है रास्ता बना रहा है, यहीं का था। ठीक है, और देखिए यहाँ तक का भी दिखाएं, मेरा घर जो है आगे है उधर है, यहाँ से करीब 500 मीटर दूरी में लगभग हम पहुँच चुके हैं घर। यहीं पर बता रहे थे, देखिए काफ़ी बड़ा है ये फील्ड, यानी ये बाजार खेत है, पानी थोड़ा सा भी आता है, वहाँ पर गड्ढा भी है थोड़ा सा, गड्ढा किया गया था सिंचाई करने के लिए। काफ़ी ये लंबा हो गया वीडियो गाइस, अगर आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, देखिए उधर भी जो है पूरा भैयारे खेत है, यहाँ पर भी एक नाला है गाइस, सबसे बंद करके जो है आगे से नाला बनाया गया है, वो तो दिखाएं अलग नाला, ये भी जो है एक नाला है। ठीक है, पूरा खेते में पानी जाता है तो नाला इधर नहीं बन पाया, उधर आगे से जो एक तालाब है, तालाब के बाद जो उधर पूरा नाला टाइप में बना हुआ है। देखिए इधर बड़ा सा भैया खेत, देखिए इसमें दागी दिया हुआ है, लाल कलर से पेंट किया गया है। वो है लेफ्ट साइड, देखिए एक पोल दिख रहा होगा वहाँ पर, वहाँ तक, और ये राइट साइड। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें हौसला मिल सके, और इस तरह का वीडियो अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, जय झारखंड।